जी हाँ नमस्कार दोस्तों। दोस्तों मैं आज आप सबको बताने जा रहा हूँ कि समय से पहले अगर बाल सफ़ेद होने लगे तो हमें क्या उपाय करना चाहिए। जी हाँ, समय से पहले अगर बाल सफ़ेद होने लगे तो इसके लिए क्या औषधि होगी। दोस्तों आपने आंवला का नाम सुना होगा। आंवला एक ऐसी औषधि है जो कि बहुत सारे रोगों से छुटकारा देती है। हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए कि आंवले को चूर्ण के रूप में बना लेना चाहिए, फिर उसे सुखाकर हर रोज़ 2 चम्मच पानी के साथ रात को सोने से पहले लेना चाहिए। ऐसा करने से असमय बाल सफ़ेद होने बंद हो जाएंगे तथा चेहरे की कांति वापस लौट आएगी। जी हाँ दोस्तों, इसके और भी फायदे हैं, जैसे स्वर मधुर हो जाता है तथा गले की घरघराहट खरखराहट भी इससे ठीक हो जाती है। इसका सहायक उपचार, आंवले के चूर्ण का लेप, सूखे आंवलों के चूर्ण को पानी के साथ ले बनाकर इसका खोपड़ी पर लेप करने तथा 5-10 मिनट बाद केशों को जल से धो लेने से बाल सफ़ेद होने और गिरने बंद हो जाते हैं। सप्ताह में 2 बार स्नान से पहले यह प्रयोग आवश्यकतानुसार 3 मास तक करके देखें, आपको शर्तिया लाभ मिलेगा। आंवला जल से सिर धोना सर्वोत्तम होता है दोस्तों। इसकी विधि क्या है वो हम आपको बता रहे हैं। विधि इस प्रकार है, 25 ग्राम सूखे आंवलों के मोटा मोटा कूटकर किए हुए टुकड़ों को 250 ग्राम पानी में रात को भिंगो दें। प्रातः फूले हुए आंवलों को कड़े हाथ से मसलकर सारा जल पतले स्वच्छ कपड़े से छान लें। अब इस निथरे हुए जल को केशों की जड़ों में हल्के हल्के अच्छी तरह मलिए और 10-20 मिनट बाद केशों को सादे पानी से धो डालिए। रूखे बालों को सप्ताह में 1 बार और चिकने बालों को सप्ताह में 2 बार धोना चाहिए। आवश्यकता हो तो कुछ दिन रोजाना भी धोया जा सकता है दोस्तों। केश धोने के 1 घंटे पहले या जिस दिन केश धोना हो उसके 1 दिन पहले रात में आंवलों के तेल की मालिश केशों में करें। इससे आपके बाल गिरने तथा सफ़ेद होने बंद हो जाएंगे। आंवला तेल बनाने की विधि, आंवले से कैसे तेल बनाते हैं इसकी विधि हम आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों। क्योंकि आंवले का तेल जो होता है वो भी उतना ही कारगर साबित होता है जितना कि हम पानी का लेप करते हैं। आंवला तेल बनाने की पहली विधि है दोस्तों, हरे आंवलों को कुचलकर या कद्दूकस करके साफ कपड़े में निचोड़कर 500 ग्राम रस निकाल लें। किसी लोहे की कड़ाही या कलाईदार बर्तन या मिट्टी के चिकने बर्तन में 500 ग्राम आंवलों का रस डालकर उसमें 500 ग्राम साफ किया हुआ काले तिलों का तेल या संभाग नारियल का तेल, मतलब कुछ थोड़ा सा आप नारियल का तेल भी मिक्स कर सकते हैं, और बर्तन को मंद मंद आग पर रख कर गर्म करें। पकते पकते जब आंवलों का रस का जलीय अंश वाष्प बनकर उड़ जाए अर्थात तेल तेल बाकी रह जाए, तब बर्तन को आग से नीचे उतार कर ठंडा कर लें। ठंडा हो जाने पर इस तेल को फैला लेना चाहिए। फैला लेन के कपड़े या सफ़ेद महीन कपड़े या सूती कपड़ा कहें, सूती कपड़े से छानना चाहिए। कैसे, तो सफ़ेद कपड़ा हो तो ज़्यादा बेहतर होता है दोस्तों, या फिल्टर वेग की सहायता से छान लेना चाहिए। तत्पश्चात इस तेल को बर्तन में भरकर दैनिक प्रयोग में लाएं। इस तेल को बालों, बाल की गीले न हों इसका ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि गीले बालों में ये औषधि सही काम नहीं करती है, उल्टा असर हो जाता है। इससे करना क्या है आपको कि इस तेल को बालों में लगा करके जड़ों में उंगलियों के पोरों से नरमी से मालिश करने से बाल लंबे होते हैं और काले होते हैं दोस्तों। अब आंवले से तेल बनाने की दूसरी विधि हम आपको बता रहे हैं, ताजे आंवलों के रस के बजाय आंवलों के काढ़े से आंवला तेल बनाना। इसके लिए सूखा आंवला गुठली निकाला हुआ, आंवले को सबसे पहले क्या करना है आपको कि उसमें से गुठली निकाल देनी है और उसको सुखा लेना है। 150 ग्राम को दरदरा कूटकर एक बड़े कलई के बर्तन में 600 ग्राम पानी में रात्रि में भिंगो कर रख दें और लगातार 15 घंटे भिगोने के बाद
आंवला सहित पानी युक्त बर्तन को हल्की हल्की आंच पर पकने को रख दें। पकते पकते जब पानी 300 ग्राम के लगभग रह जाए दोस्तों, तब आप बर्तन को आग पर से नीचे उतार कर इस घोल को ठंडा कर लें। बाद में आंवलों को अथवा पानी में भिंगोई अन्य औषधियों को खूब मसल कर किसी साफ बारीक कपड़े से छान लें। इससे पानी छन जाएगा तथा औषधि का फोक कपड़े के ऊपर रह जाएगा। अब इस छने हुए आंवले के पानी मतलब कि काढ़ा जो बना हुआ है उसको किसी अन्य बर्तन में डालकर उसमें 500 ग्राम काले तिलों का तेल जो कि रिफाइंड हो मिलाकर धीमी आग पर रखकर पकाएं। जब केवल तेल शेष रह जाए तब बर्तन को आग से नीचे उतार लें। ठंडा हो जाने पर इसे छानकर बोतल में भर लें। चाहे तो इस छने हुए तेल में 1 ग्राम हरा ऑयल कलर अच्छी तरह मिलाकर रंगीन कर सकते हैं और तदुपरांत 2 ग्राम ब्राह्मी आंवला कंपाउंड सुगंधा या अन्य सुगंध मिलाकर सुगंधित बना सकते हैं। परंतु रंगीन या सुगंधित बनाना जरूरी नहीं है क्योंकि हमें कलर उसमें केवल भरना है ताकि देखने में अच्छा लगे। बाकी काम जो है वो मेन औषधि ही करती है, आंवले का तेल ही करता है। तो इस विधि में हर तीसरे दिन केश धोने से केशों की श्यामलता दिन प्रतिदिन बढ़ती रहती है और चिरकाल तक उनका सौंदर्य स्थिर रहता है। बालों का गिरना और टूटना बंद होकर उनकी जड़ें मजबूत होती हैं। केश काले घने स्वच्छ चमकीले और रेशम की तरह मुलायम हो जाते हैं। और इसके अलावा इसके बेनिफिट्स हम आपको बता रहे हैं, सिर दर्द तथा आँखों की भी बीमारियाँ दूर हो जाती हैं इससे। मस्तिष्क में ताजगी रहती है और सिर के रोग दूर होते हैं। यदि नज़ले और मानसिक दुर्बलता के कारण बाल गिरते हों तो उपरोक्त विधि से केश धोने से निश्चय ही लाभ होता है। हमने आपको जो जो विधियाँ अभी तक बताई हैं दोस्तों, अगर ये आप अपनाते हैं तो आपके बाल कमज़ोर नहीं रहेंगे, आपके बाल बहुत मजबूत हो जाएंगे जिससे कि न वो सफ़ेद होंगे और ना ही गिरेंगे। साबुन से जहाँ त्वचा और बालों की हानि पहुँचती है वहाँ आंवला जल से धोने से त्वचा कांति युक्त शक्तिवान और कोमल होगी और केश घने कजरारे और रेशमी बनेंगे। इसीलिए कहा गया है मेरे दोस्तों, जूते और चप्पल हमें रबड़ का प्रयोग करना चाहिए, शौच हमेशा सुबह सुबह जानी चाहिए और सिर के बाल जो हैं सोडे और साबुन से कम धोना चाहिए, बहुत कम यूज करना चाहिए, इससे बाल सफ़ेद हो जाते हैं। इसकी जगह हम नेचुरल चीज़ों को यूज करें अगर तो हमारे लिए ज़्यादा फायदेमंद होता है दोस्तों। धन्यवाद।